मामला भटेवरा गांव का है, जहां बीते एक सप्ताह से लापता युवक का शव कुएं में तैरता मिलने से सनसनी फैल गई थी। घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीम गठित की गई थी। एसपी मणिलाल पाटीदार के कुशल निर्देशन में टीम को बड़ी सफलता हुई है। घटना को अंजाम देने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के भटेवरा खुर्द गांव निवासी देवकी नंदन प्रजापति का 24 वर्षीय पुत्र राममिलन प्रजापति एक सप्ताह पूर्व घर से कहीं निकल गया था, लेकिन बाद में वापस घर नहीं लौटा। तब उसके चाचा गौरीशंकर ने गुमशुदगी की तहरीर कोतवाली में सौंपी थी। 5 सितंबर को युवक का शव गांव के बाहर कुएं में तैरता मिला, जिस पर परिजनों ने हत्या के आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार ने घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीम गठित की थी। अपर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार के कुशल निर्देशन व सीओ कुलपहाड़ के सर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अनूप कुमार दुबे, एसआई अनुराग पांडे, एसआई श्रीदीप शुक्ला, महिला कांस्टेबल प्रिया सिंह, कांस्टेबल हरि प्रताप सिंह, नीलेश यादव, चालक प्रमोद कुमार ने गहन छानबीन व साक्ष्य संकलन से मुकदमे में अभियुक्त भटेवरा खुर्द निवासी पूजा प्रजापति व उसकी माँ उमा, कानपुर देहात के छिपेठी गोसंगंज निवासी अनिल व प्रजापति को पनारा मोड़ के पास सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। सभी के खिलाफ आवश्यक कार्य और कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक सफेद रस्सी, दुपट्टा, स्टॉल तथा कपड़े की जली हुई राख व 2 मोबाइल बरामद किए हैं। ये थाना कुलपहाड़ के गांव भटेवरा खुर्द में 29 तारीख की शाम को राम मिलन नाम का एक व्यक्ति गायब हुआ था। पुलिस के द्वारा 30 तारीख को उसकी गुमशुदगी की जाँच की। दिनांक 5 सितंबर को उसी का शव गांव के एक कुएं में मिला था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर उसमें धारा 302 की बड़ी बढ़ोतरी हुई। पुलिस ने विवेचना के दौरान 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं और जो इसमें जो पूरा मामला है वो ये है कि एक अभियुक्त जो इसमें है उससे मृतक के पूर्व में प्रेम संबंध रहे थे और अब मृतक की शादी हो चुकी थी, इसलिए लड़की से प्रेम संबंध नहीं रखना चाह रही थी। उसी बात को लेकर दोनों में विवाद था। तो जो अभियुक्त है उसने अपने दो रिश्तेदारों को यहाँ पर बुलाया और उसके साथ मिलकर इसकी हत्या कर दी। उसमें बाद में मृतक की मां ने और तीनों ने मिलकर उसकी अभियुक्ता की मां ने और दोनों अन्य अभियुक्तों ने मिलकर उसकी बॉडी को कुएं में फेंक कर डिस्पोजल किया था। पूरी घटना को पुलिस ने उसका आज खुलासा किया है और जो इसमें घटना में प्रयुक्त दुपट्टा, जो रस्सी थी और जो मोबाइल चेक के लिए यूज किए गए थे वो पुलिस के द्वारा बरामद किए गए। महोबा से ब्यूरो चीफ संतोष कौशिक की खास खबर।